रीवा जिला अंतर्गत मनगवा तहसील के नायब तहसीलदार दिलीप सोनी व्रत गगेओ अपने स्टाफ के साथ निरंतर आंगनबाड़ी प्राथमिक माध्यमिक शालाओं के निरीक्षण का कार्य कर रहे हैं। दिनांकगत दिवस शासकीय माध्यमिक विद्यालय अगडाल का निरीक्षण करने पहुंचे, साथ में हल्का पटवारी अगडाल राजेश सिंह भी थे। नायब तहसीलदार मौके पर पहुंचकर देखा कि मेनू के आधार पर भोजन तैयार नहीं है। समूह संचालिका पूर्णिमा सिंह, प्राथमिक माध्यमिक शाला अगडाल के प्रधानाध्यापक राज बहोर साकेत सभी की मौजूदगी में निरीक्षण का कार्य किया गया, जहां भंडार गृह में चावल केवल आधी बोरी दाल 2 किलो मिली तथा शेष अन्य सामग्रियां भंडारित नहीं पाई गई। स्कूल में बड़ी बड़ी घास उगी हुई देखकर संबंधित अधिकारी द्वारा ग्राम पंचायत सरपंच से संपर्क करने का प्रयास किया गया। संपर्क ना होने से दूरभाष पर सरपंच को विशेष सुझाव दिया गया कि छोटे छोटे बच्चे यहां पढ़ते हैं और घास को साफ कराया जाए, साथ ही पानी की व्यवस्था समुचित ना होने पर भी स्थानीय सरपंच को कहा गया। साथ ही आंगनबाड़ी केंद्र के सामने धसी हुई गहरी कूप देखी गई। इसके संबंध में सुरक्षा व्यवस्था हेतु संबंधित पदाधिकारियों को कहा गया कि जब तक इसकी मरम्मत नहीं होती चारों तरफ तारवाड़ी लगाई जाए, जिससे किसी प्रकार की गंभीर दुर्घटना ना हो, क्योंकि 3 वर्ष से छोटे बच्चे विद्यालय में पठन पाठन हेतु आते हैं और लापरवाही बस घूमते हुए गड्ढे की तरफ गए तो बड़ी दुर्घटना घटित हो सकती है। वहीं समूह संचालिका पूर्णिमा सिंह द्वारा बताया गया कि रुचिकर भोजन समय पर पैसा न मिलने से समूह में इतनी राशि न होने के कारण शासन के मापदंड अनुसार भोजन प्रदान नहीं किया जा पा रहा है। इस संबंध में संबंधित अधिकारियों से भी संपर्क किया गया, किंतु कई माह से पैसे प्राप्त न होने से रुचिकर भोजन देने में दिक्कत आ रही है। वहीं संस्था प्रधानाध्यापक राज बहोर साकेत ने बताया कि मेरे विद्यालय परिसर के अंतर्गत संचालित सभी स्कूल आंगनबाड़ी केंद्रों में रुचिकर भोजन प्रदाय नहीं हो रहा है। इस संबंध में वरिष्ठ अधिकारियों को लिखित दूरभाष से अवगत कराया गया है, किंतु वही दूसरी तरफ 20 वर्ष से सत्ता में बैठी हुई वर्तमान भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और उसी दल के क्षेत्रीय विधायक और सांसद भी बन रहे हैं, लेकिन व्यवस्था जस की तस बनी हुई है। अब जनता में चर्चा होनी शुरू हो गई है कि शिवराज सिंह और मोदी के नाम पर इनको वोट देकर अपने साथ अपने बच्चों के साथ धोखा देने के बराबर है। वहीं दूसरी तरफ कुपोषण से पूरे रीवा जिले के कई गरीब तबके के लोग आज भी कुपोषित हैं, किंतु कुपोषण के नाम पर किसका पोषण हो रहा है, यह अधिकारियों के जांच के दौरान इनकी वास्तविक स्थिति स्पष्ट हो गई है। कहीं ना कहीं पर्दे के पीछे इसमें या तो किसी राजनेता या अधिकारी के निजी स्वार्थों की पूर्ति होने के कारण ऐसे भ्रष्ट व्यक्तियों के खिलाफ आज तक कार्यवाही नहीं हुई। यही कारण है कि समय पर ना समूहों को राशि प्रदान की जाती और ना समूह शासन के मापदंड अनुसार भोजन प्रदाय करते हैं और बच्चे शासन के मापदंडों के अनुसार भोजन पाने से वंचित हो रहे हैं। यही पूरे जिले में स्थित निर्मित हो रही है। जितने स्कूलों में अब तक संबंधित अधिकारी द्वारा जांच की गई, कहीं भी रुचिकर भोजन नहीं पाया गया और इसके संचालक सफेद पोशधारियों के संरक्षण में पल रहे हैं और संबंधित विभाग के अधिकारी 4-4, 5-5 महीनों का पैसा एक साथ भुगतान करते हैं और अपने निजी स्वार्थों की पूर्ति करते हैं। यह नाम न बताने की शर्त पर लोगों द्वारा बताया गया है। वहीं दूसरी तरफ शासन के अन्य कार्य को देखते हुए संबंधित स्कूल के अधिकारियों पर भी आज तक कार्यवाही क्यों नहीं की जा रही है, यह जांच का विषय है, क्योंकि जांच में भोजन व्यवस्था सुचारू रूप से नहीं देखी जा रही है। कभी कभी नहीं, अभी आपने 2 महीने बताया ना, ठीक है, आपसे लिखित में कथन लेंगे, आप फिर उधर बताइएगा क्या कब बना है मेनू के अनुसार। दाल चावल सब्जी चावल कढ़ी चावल मेनू में ये नहीं है, मेनू का फोटो खींचे हो, देखो कढ़ी छोला मतलब सब्जी बन जाती है। हां हां जी छोला की मंगा देना खाती है नहीं हां दाल का बोलिए कौन चीज का आप तो सा साहब आज हम को हम आज अकेले हैं कोई क्यों हैं स्टाफ नहीं, ये है राजेश सिंह पटवारी अंजाल।
दिखाओ मैं जान गया। आप प्रधानाध्यापक जी हमारे बीच में हैं, प्रधानाध्यापक जी यहाँ से बात करते हैं। आप ये बताइए मेनू के आधार पर भोजन यहाँ बनता है कि नहीं बनता है? मेनू के आधार पर तो नहीं बनता है। क्या कभी आपके द्वारा अपने संबंधित अधिकारियों को इस संबंध में अवगत कराया गया? संबंधित अधिकारियों के को हम मतलब एक रजिस्टर है जो छात्र उपस्थिति वाला, उसमें लिखना पड़ता है कि मेनू के आधार पर नहीं बना है बस। और सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ हमारे यहाँ जो प्रॉब्लम है पानी की दिक्कत है, पर हम पानी की दिक्कत के लिए हम बहुत समझ लीजिए यहाँ की स्वास्थ्य व्यवस्था भी प्रभावित हो रही है। हम अधिकारी महोदय मतलब सरपंच यहाँ से ले सरपंच से आपकी बात हुई, उनके द्वारा क्या कहना है? सरपंच आते हैं, हम सरपंच को कहे हैं, सरपंच के पास अभी प्रभारी नहीं मिले तो हम क्या किए। समूह की संचालिका आपका नाम क्या है? आप किन किन स्कूलों का मध्याह्न भोजन का काम देती हैं? क्या आपको मेनू मालूम है कि मेनू किस दिनांक को क्या? जी सर, सब पता है। अभी दो महीने से पैसा नहीं मिला। हम लोग किस तरह एडजस्ट करते हैं तो हम लोग जानते हैं। आंगनवाड़ी का 8 महीने से पैसा नहीं मिला, और एक तो सबसे पानी की व्यवस्था नहीं है। हम लोग जिस तरह समूह चलाते थे उसके वास्ते हम लोग पड़ता था किस तरह करते हैं, कैसे बनाते हैं। और चावल कभी कभी इतना खराब आता कि हम लोग क्या करें, जो मिलता है वो बनवाते हैं। आपको जब खराब चावल मिलता है तो क्या आप संबंधित अपने अधिकारियों को अवगत कराते हैं कि हमको भोजन का जो चावल मिल रहा है तो घटिया किस्म का मिल रहा है? जी, हम लोग वहाँ कोर्ट जाते हैं, हम लोग क्या कर सकते हैं? आज आपके यहाँ निरीक्षण करने के लिए तहसीलदार साहब जी आए हैं, तो निरीक्षण के दौरान क्या देखा गया वहाँ? यहाँ विद्यालय में आपके तहसीलदार साहब आए हैं, आपको मालूम है? जी, बुला रहे हैं। तो आपके यहाँ ये मेनू के आधार पर राशि न मिलने के कारण भोजन नहीं बन रहा है। राशि ये कौन आवंटित करता है? राशि आपको कहाँ से मिलती है? मनगमा तहसील के नायक तहसीलदार दिलीप सोनी जी हैं, जो कि निरीक्षण कर रहे हैं यहाँ बच्चों को रुचिकर भोजन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। आपका सतत भ्रमण और निरीक्षण कार्यक्रम चल रहा है। निरीक्षण के दौरान आज आप ग्राम पंचायत अड्डाल प्राथमिक पाठशाला स्कूल जनपद पंचायत के जिला रीवा के अंतर्गत निरीक्षण कर रहे हैं। हम बात करते हैं सर, आज आप निरीक्षण कर रहे हैं यहाँ रुचिकर भोजन के संबंध में क्या देखा गया? एक्चुअली क्या है कि मुझे जन सेवा शिविर के दौरान यहाँ शिकायत मिली थी कि यहाँ मतलब खाने समय पर नहीं बनते हैं और समय पर मिलता भी नहीं है। तो चूँकि मैं आज औचक निरीक्षण किया, इसमें पाया कि मेनू के अनुसार खाना तो नहीं बना है, क्योंकि आज गुरुवार है और आज हरी सब्जी वेजिटेबल हरी सब्जी का था और पुलाव का और इसके साथ कढ़ी का था, लेकिन कढ़ी पाया गया लेकिन उसमें बड़ी वगैरह की मात्रा कम थी और पुलाव के जगह में खाली चावल ही था और हरी सब्जी तो नहीं थी। तो स्वाभाविक की बात है कि सूची के अनुसार जो है जो फूड मेन्यू बनी हुई है उसके अनुसार है ना खाते नहीं। ये आपका निरीक्षण कई दिन से चल रहा है, निरीक्षण में क्या कहीं भी रुचिकर भोजन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? देखिए मेन्यू के अनुसार तो अभी तक मेरे को कहीं भी नहीं मिला है। मेरा चौथा MDM का है ना जाँच है, जिसमें मेन्यू के अनुसार तो नहीं मिल रहा है और कुछ जगह तो बहुत ही बदतर स्थिति है, केवल दाल चावल बनाए जा रहे हैं जबकि केवल साधारण दाल चावल का तो मेन्यू में किसी भी वक्त में नहीं है। इनको समझाया गई, प्रधानाध्यापक से बात हुई, उनका क्या कहना है? कभी लेख किए थे कि नहीं किए थे? प्रधानाध्यापक जी से मेरी बात हुई है, उसमें उन्होंने ये बताया कि हम लोग केवल रजिस्टर में लिखते हैं कि भाई यहाँ रुचिकर भोजन नहीं बन पा रहा है, लेकिन ऐसा कोई वरिष्ठ अधिकारियों को लिखित में देने का ऐसा कोई नहीं है। लेकिन अभी मैं जांच के दौरान इनसे भी एक कथन लूँगा और कथन की संलग्न प्रति जो है कलेक्टर साहब महोदय का है ना। मैं समूह संचालक से बात हुई कि नहीं? समूह संचालक से एक्चुअली बात हुई है, लेकिन उनके पति आए थे, मैं अभी उनको बुलवाया हूँ, अभी वो आ नहीं पाई हैं। कोई महिला है मैं उन्हीं से बात करूँ, उनसे बात की है। और यहाँ अनाज की सफाई और यहाँ सब साफ सफाई की स्थिति क्या देखी गई? देखिए अनाज में तो हालांकि जो PDS शॉप से आता है जो चावल और दाल है मैंने देखा वो तो ठीक है, अच्छे कंडीशन में है, खराब स्थिति में नहीं थी। लेकिन जो स्कूल का प्रांगण है वो साफ सुथरा नहीं है, क्योंकि कच्ची मिट्टी का है, लेकिन उसमें घास फूस वगैरह और अन्य खरपतवार अभी पाए गए हैं। तो सफाई तो जरूरी नहीं है, लेकिन टीचरों की उपस्थिति पाई गई अच्छे हैं। पानी की व्यवस्था क्या देखी गई है? स्कूल प्रांगण में एक्चुअली पानी की व्यवस्था पहले कुएं की थी, लेकिन अभी नहीं है, तो ये बगल से
पानी ला रहे हैं। तो अभी मैंने यहाँ के सरपंच जो है ना, सरपंच से बात किया है कि वो अपने जो भी मद हैं उससे पहले वो हैंडपम्प सुधारें, और प्रधानाध्यापक महोदय द्वारा बताया गया है कि यहाँ के हैंडपम्प के लिए मेरे द्वारा पत्राचार की गई है। तो मैं भी व्यक्तिगत तौर पर अगर होगा तो मैं यहाँ के पानी व्यवस्था के लिए अपने अधिकारियों को बात करूँगा मैं, क्योंकि यहाँ ज़रूरत है, पानी की समस्या तो है यहाँ। निरीक्षण के दौरान संबंधित स्कूल के प्रधानाध्यापक से लेकर के समूह संचालक तब को अधिकारी द्वारा ये निर्देशित किया गया कि शासन के मापदंडों का पालन किया जाए, मापदंड न होने पर आपके ऊपर नियमानुसार कार्रवाई संपादित की जाएगी। आइए जो ये भोजन बनाते हैं रसोइया से बात करते हैं। अपना पंचे बनाई थी भोजन, नाम का है अपना के? कई जन रही थी अपना, कत्ते लड़कन का भोजन बनाए थे? अपना का अपना का समूह जो चलावा था आज का दे रहे बनावे का केवल कढ़ी चावल है। और यह हमेशा का बना था अपना के ही सब्जी चावल बनी, दाल चावल बनी, कढ़ी चावल बनी, तो कहियो मतलब सब्जी यही तो यह अपना के जो दिन बार मेनू है जो लिखा है बोर्ड में का ओके अनुसार बनत है अपना के मीनू के आधार पर हम नहीं बन पा रहे हैं। पहले ये कड़ी चावल को तो पता नहीं कि क्या मीनू में आ रहा है, हम तो बनाने वाले हैं। अच्छा अच्छा ठीक है, अपना के नाम का है? जो दे रहे तो अपन श्रीमती बिमला सर की। अपना का है नहीं खाने बनाने? लड़कियन का साफ सुथरा भोजन मिलत है? जी हाँ। ई समूह संचालक कत्ता देते हैं अपना का रोज बनावे का, नाप के देते हैं कि उसने अपना पंछी ले लिए थे? अब हम बच्चे लड़कियन के उनसे ले थे। अच्छा, मतलब तौल के व्यवस्था नहीं है कि अत्ते लड़का हाथ ने ग्राम हमका बनावे के है? नहीं ऐसा नहीं है। एक अच्छा खाद्यान्न गिरा देते हैं।